महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी शैक्षणिक कार्यालय बंद पड़े हैं, जिससे छात्रों की उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र, परीक्षक, कंट्रोलर और पोस्ट ऑफिस में पड़ी हुई है। शिक्षा विभाग के अनुमान के मुताबिक 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बोर्ड को सभी प्रयास पूरा कर रिजल्ट घोषित करने में जुलाई तक का समय लग सकता है। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए पूरे राज्य से क्रमशः 17 व 14 लाख छात्रों ने नामांकन किया था। शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च में आयोजित होने वाली 10वीं व 12वीं की परीक्षा का परिणाम मई के पहले हफ्ते में घोषित कर दिया जाता है। पिछले वर्ष बोर्ड ने 10वीं का परिणाम 8 जून जबकि 12वीं का 28 मई को घोषित की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिलों के परीक्षा केंद्र पर पुस्तिकाएं पड़ी हुई है। इसके मद्देनजर जुलाई में ही परिणाम घोषित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और Google Play Store से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।